हेलो दोस्तों, मैं परवेज, महिंद्र टीच यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ़ोटो एडिटिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर शेयर करूँगा जिसको यूज करके आप बहुत ईजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से किसी भी फ़ोटो को एडिट कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम फ़ोटो एडिट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सब्सक्राइब कीजिए माय हिंदी ट्रिक्स चैनल को, उसके बाद इस बेल घंटी आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे तो दोस्तों, फोटो एडिटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, लेकिन उसको यूज करना काफी डिफिकल्ट होता है। उसको यूज करने के लिए पहले आपको बहुत सीखना पड़ता है फोटोशॉप कैसे यूज वगैरह करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो सॉफ्टवेयर हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ये बिल्कुल फ्री है और इसको यूज करके आप लगभग बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो में टेक्स्ट ऐड करना, फ़ोटो पर फिल्टर अप्लाई करना, फ़ोटो को एनिमेशन करना और भी बहुत कुछ है दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों फोटो स्कैप। तो दोस्तों, यह एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाना है, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आप वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, उधर से आप लिंक पर क्लिक कर दीजिए तो आपको दोस्तों सॉफ्टवेयर लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों, वो जो सॉफ्टवेयर का वेबसाइट है दोस्तों, कुछ इस तरह का आएगा। तो आपको सिंपली दोस्तों, आपको डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक कर देना है तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। तो नीचे आप देख सकते हैं फोटो स्केप जो एक्स वर्सन है दोस्तों, वो आपको विंडोज़ 10 में भी मिल जाएगा। तो आप इधर से दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, सिंपली आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है, हर एक कंप्यूटर यूज़र को पता है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले ही अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके रखा हुआ, तो दोस्तों आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट आपको मिल जाएगा। तो आप फोटो स्केप का जो शॉर्टकट है दोस्तों, उस पर क्लिक कर दीजिए। फिलहाल तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर दोस्तों इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो बहुत दोस्तों सिंपल एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का आ गया है। अभी आप देख सकते हैं ऊपर आपको देखिए कुछ मेनू मिल रहा है, जैसे कि फोटोस्केप व्यूअर, एडिटर, बैच एडिटर, पेज, ठीक है, कॉम्बिन, एनिमेटेड, प्रिंट और हेल्प, ठीक है। तो दोस्तों, ये सारे ऑप्शन यूज करके आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। और नीचे देखिए आपको दोस्तों सेम ऑप्शन ही मिल रहा है, ऊपर जो कुछ भी आपको मिल रहा था नीचे भी दोस्तों आपको देखिए दोस्तों, आपको बिग साइज में, आइकन साइज में आपको मिल रहा है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको जैसे मिल रहा है, जैसे कि दोस्तों कलर पिकर, ठीक है, स्क्रीन कैप्चर वगैरह, ठीक है। तो आपको ये रॉ कन्वर्टर वगैरह, रीनेम वगैरह, पेपर प्रिंट वगैरह आपको मिल रहा है, व्यूअर वगैरह आपको मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इस फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन कैप्चर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन कैप्चर मतलब दोस्तों स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं इस स्क्रीन कैप्चर पर क्लिक करके, ठीक है। तो ये सुविधा भी आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल रहा है बिल्कुल फ्री में। तो आप अगर फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को ही दोस्तों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ, आपका अगर एनिमेटेड फोटो बनाना है, किसी भी फोटो को एनिमेशन करना है, तो दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको एनिमेटेड जीप ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी फोटो को आप जीप कर सकते हैं। आपको किसी तरह का पेड या फिर ऑनलाइन टूल्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, इसी सॉफ्टवेयर से आप किसी भी फोटो को जीप एनिमेटेड कर सकते हैं। फिलहाल देखिए दोस्तों, ऊपर जो दोस्तों ऑप्शन है एडिटर, तो हम अगर आपको किसी भी फोटो को एडिट करना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों इस तरह फोटो जो दोस्तों एडिटिंग ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको लेफ्ट साइड पर आपका जो दोस्तों कंप्यूटर का जो दोस्तों ड्राइव वगैरह है वो आपको इधर दिख जाएगा। और दोस्तों इस साइड पर दोस्तों आपके कंप्यूटर के जो ड्राइव आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो उसका फोटो, अगर कोई फोटो है दोस्तों, वो आपको इधर शो कर जाएगा। दोस्तों मेरा डेस्कटॉप शो हुआ है, देखिए डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप के अंदर जितने भी फोटो है दोस्तों वो इस तरह शो हो गया है। अगर आप अपने डेस्कटॉप से किसी फोटो को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देते हैं तब भी दोस्तों फोटो सिलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल देखिए दोस्तों, मैं एक इधर से फोटो, कोई भी एक फोटो दोस्तों चूज कर लेता हूँ, नॉर्मल सा फोटो दोस्तों हम इधर से चूज कर लेते हैं। तो देखिए मेरा फोटो है दोस्तों, मैंने इधर से उसको चूज कर लिया है, ठीक है। अभी देखिए इस फोटो को हम एडिट करेंगे, मतलब आपको कुछ डेमो दिखाएंगे कि इस पर काम कैसे करते हैं। तो जब भी आप इस तरह इसको चूज कर लेंगे दोस्तों, तो एडिटर रूम में दोस्तों ये आ गया है, ठीक है। अभी देखिए आपको नीचे कुछ ऑप्शन मिल रहा है, चारों ऑप्शन, जैसे कि होम बटन में दोस्तों आपको ये सारे ऑप्शन मिल रहा है होम ऑप्शन पर, जैसे कि फ्रेम वगैरह, ठीक है, आप रिसाइज वगैरह, ब्राइट कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपको फिल्म इफेक्ट, फिल्टर, ठीक है, शार्पन,
उसके बाद दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों इधर के मिल रहा है। ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर दोस्तों आप अपने फोटो में दोस्तों टेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद किसी जगह को अगर आपको हाईलाइट करना है, बॉक्स करके दिखाना है, ये दोस्तों स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हैं ब्लॉग में, अगर आप कोई फोटो ऐड करते हैं तब ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, इस ऑप्शन का यूज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद क्रूप, अगर आप फोटो को क्रूप करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्रूप ऑप्शन इधर से मिल रहा है, तो आप किसी भी फोटो को इसी तरीके से क्रूप भी कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स ऑप्शन में दोस्तों आपको बहुत सारा दोस्तों टूल्स मिल रहा है, जैसे कि अगर आपके दोस्तों जो आँखों है दोस्तों, आँखों में अगर कोई रेड, देखिए होता है काफ़ी बार राइट नाइट में अगर आप कोई फोटो लेते हैं तो आपके आँखों में दोस्तों रेड एक एक आइकन आ जाता है, तो उसको भी आप इस तरह रेड आई को दोस्तों आप रिमूव कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों आपको इधर देखिए पेन ब्रश, अगर आप किसी फोटो का क्लोन बनाना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों इस क्लोन स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों आप इस तरह देखिए आपका फोटो का दोस्तों क्लोन, देखिए जितना भी आप लेना चाहते हैं उसका दोस्तों क्लोन बन जाएगा। तो देखिए मेरा फोटो दोस्तों इस तरह क्लोन बन रहा है, आप देखिए साइड में दोस्तों, मैं आपको इस साइड में दिखा देता हूँ, देखिए ये फोटो दोस्तों क्लोन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप फोटो का क्लोन बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए मैंने उतना खास नहीं कर पाया लेकिन फेस थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो देखिए देखिए दो हाथ आ गया है, तो आप इजी तरीके से बहुत स्मूथली आप अपने फोटो का क्लोन बना सकते हैं फोटो के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों बैक जाना है किसी फोटो को तो आप कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों आप बैक में आ जाएंगे। तो नॉर्मली मेरा फोटो दोस्तों इस तरह आ गया है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों कोई जो इफेक्ट ब्रश आपको मिलेगा, बहुत सारे इफेक्ट आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप फोटो को ब्लर वगैरह करना चाहते हैं तो आप देखिए दोस्तों आपको ब्लर ऑप्शन मिल रहा है, आप ब्लर वगैरह कर सकते हैं अपने फोटो को इजी तरीके से, ठीक है। तो वह बहुत कुछ आपको इधर इस टूल्स के अंदर मिल रहा है, जिस टूल को यूज करके आप अपने फोटो को दोस्तों एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इधर से आपको कुछ अंडू ऑप्शन, अगर आप फोटो को एडिट करते टाइम कुछ आप गलत कर दिया है तो दोस्तों आप अंडू वॉल पर क्लिक करके आप या फिर अंडू रीडू कर सकते हैं, या फिर अपने कंट्रोल के जेड की को प्रेस करके भी आप अंडू वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इधर दोस्तों आपको टूल्स के अंदर कुछ ऑप्शन मिल रहा है जो इसको आज यूज करके आप अपने फोटो को बेहतर बना सकते हैं। तो लगभग दोस्तों यही कुछ ऑप्शन है जिसको आप अप्लाई करके अपने फोटो को एडिट कर पाएंगे। तो मैं आपको नॉर्मली कुछ दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में, आपको डीपली कुछ टिप्स नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। आप इसको एडिट करिए, यूज कीजिए तो आपको ही पता चल जाएगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो आपको पता चल गया क्रूप कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब देखिए आपको कोई अगर कोई एरो देना है तो इस तरह दोस्तों आप एरो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो सिंपली आप इधर से टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, देखिए दोस्तों टेक्स्ट ऐड हो गया है, तो इस तरह आप अपने फोटो के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दोस्तों कोई सिंबल वगैरह देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इस तरह की जगह को दिखाना है तो आप इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप कोई बॉक्स करना है तो आप इस तरह बॉक्स भी दोस्तों करके दिखा सकते हैं। तो बहुत कुछ इधर आपको है दोस्तों जो आप यूज कर सकते हैं। होम पर तो दोस्तों ऑप्शन है, अगर आपको अपने फोटो के ऊपर कोई फ्रेम देना है, मतलब मैं इसको दोस्तों सब रिमूव कर देता हूँ, अंडू वॉल कर देता हूँ, तो दोस्तों अंडू वॉल हो गया है। तो अब होम बटन पर जो दोस्तों है वो है फ्रेम, तो दोस्तों अभी तो नो फ्रेम है। अगर आपको कोई फ्रेम चाहिए फोटो के अंदर तो दोस्तों इधर आप फ्रेम दे सकते हैं, इस तरह बहुत सारा दोस्तों आपको फ्रेम मिलेगा, बहुत सारा दोस्तों, देखिए आपको जो पसंद है दोस्तों वो फ्रेम इधर से दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं अपने फोटो के अंदर। देखिए दोस्तों आपको बहुत सारा फ्रेम इधर मिल रहा है, तो जो फ्रेम आपको पसंद है आप वो फ्रेम अपने फोटो के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखिए इधर राउंड इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है, अगर आप फोटो पर राउंड इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखिए इधर आप फ्रेम लाइन वगैरह ये सब आप ठीक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए इधर फ्रेम का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इधर से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले, जैसे कि आपको फिल्म इफेक्ट, अगर आप अपने फोटो में फिल्म इफेक्ट देना चाहते हैं तो फिल्म इफेक्ट भी आप दे सकते हैं। मैं इसको दोस्तों अनरोल ऑल कर देता हूं, तो अगर आपको फिल्म इफेक्ट देना है तो देखिए दोस्तों इधर आपको बहुत सारा फिल्म इफेक्ट भी मिल रहा है। देखिए जो इफेक्ट आपको पसंद है आप वो दोस्तों इधर से दे सकते हैं, देखिए हाई लो वगैरह सब कुछ आपको इधर मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अगर जो दोस्तों देखिए शार्पन पेन दिस ऑप्शन है दोस्तों, इधर से भी आप अपना जो फोटो में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारा फिल्टर आपको मिलेगा, जो फिल्टर आप अपने फोटो में दोस्तों एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा फिल्टर आपको इधर मिल रहा है, देखिए बहुत सारा फिल्टर ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर आपको कोई इस तरह देखिए इधर एक ऑप्शन आ गया है तो आप इधर इसको इस तरह इसको इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। देखिए इस तरह भी आप इसको इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपने फोटो पर दोस्तों बहुत सारा दोस्तों इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो लगभग दोस्तों कुछ यही ऑप्शन है जिसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नॉर्मली फोटो को सेव करना है तो आप सिंपली सेव पर क्लिक कर दीजिए या फिर अपने कंट्रोल से दोस्तों
मतलब कीबोर्ड से दोस्तों कंट्रोल प्लस एस को प्लेस कर दीजिए, तो दोस्तों आपका जो दोस्तों फोटो है वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। अभी आते हैं दोस्तों एनिमेशन फोटो। तो दोस्तों अगर आपको एनिमेशन फोटो क्रिएट करना है तो सिंपली दोस्तों आप इस एनिमेटेड ऑप्शन पर आइए, उसके बाद जिस फोटो को दोस्तों आपको एनिमेटेड करना है उन सभी फोटो को दोस्तों आप ले लीजिए इस तरह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए फोटो एनिमेटेड होना स्टार्ट हो गया है, देखिए आप देख सकते हैं आपके सामने दोस्तों लाइव प्रीव्यू चल रहा है। उसके बाद दोस्तों देखिए इधर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहा है चेंज टाइम, अगर आप दोस्तों इसका जो डायरेक्शन टाइम है दोस्तों उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो इजी तरीके से चेंज टाइम पर क्लिक करके आप टाइम चेंज कर सकते हैं, जो स्पीड है दोस्तों उसको। अगर आपको इफेक्ट चेंज करना है तो देखिए दोस्तों बहुत सारा इफेक्ट आपको इधर मिलेगा, देखिए आप इसका इफेक्ट भी दोस्तों चेंज कर सकते हैं, देखिए आपको इसी तरीके से बहुत सारा इफेक्ट दोस्तों इधर मिल रहा है, तो इस तरह दोस्तों आप इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको और भी बहुत कुछ ऑप्शन इधर मिल रहा है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एनिमेशन फोटो में। उसके बाद दोस्तों वेब ब्राउज़र प्रीव्यू पर क्लिक करके ये वेब ब्राउज़र में कैसे दिखेगा वो आप इधर से प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इस फोटो को इधर से सेव बटन पर क्लिक करके या फिर अपने कीबोर्ड के कंट्रोल प्लस एस बटन को प्रेस करके आप फोटो को अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप में इजी तरीके से जिप फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस फोटो को आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं आप इसको सेव कर सकते हैं, तो ये दोस्तों आपके सेव हो जाएगा। तो दोस्तों यही था फोटोस्केप सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ छोटा मोटा जानकारी। तो दोस्तों ये बिल्कुल फ्री एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको अपने कंप्यूटर में बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए फ्री में यूज कर सकते हैं और अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।